टाइम सिटी न्यूज यूपी में विवेक करकवंशी। इस समय पलिया मौजूद हैं और पलिया तहसील के अंदर ही मौजूद हैं। एक लगातार तीन दिनों से घटनाक्रम चल रहा था जिसमें हम आपको बता दें कि बसही में गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट की जमीन है जो 1956 से आवंटित थी लोगों को रहने के लिए। पूर्वांचल से लोग आए थे, वहाँ पर लगातार 65 वर्षों से रह रहे हैं। उनको जो है बीते दिनों 7 तारीख को वन विभाग और राजस्व की संयुक्त टीम जाकर उनको वहाँ पे जो भी निर्माण था, लोगों ने अपने घर बना रखे थे, रिहायशी इलाका है, पूरा कॉलोनियाँ बसी हैं, वहाँ पे घटना हुई है। हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं, एडवोकेट हैं और भाजपा मंडल अध्यक्ष भी हैं संपूर्णा नगर। हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूरी बात जानेंगे, क्या प्रकरण हुआ, घटना क्या थी। हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं, हम जानेंगे क्या हुआ। शैलेंद्र जी, परसों क्या, पहले तो ये बताएं कि आप लोग कितने सालों से वहाँ पे रह रहे हैं और क्या हुआ है वहाँ पे। हम लोग लगभग सब सन 1956-57 से पूरा गांव मतलब बसा हुआ है। बसही संपूर्णा नगर थाने में, हाँ, थाना संपूर्णा नगर लगता है जी। और जितनी कॉलोनियाँ हैं इसमें लगभग मान के चलिए कि सारे लोग पूर्वांचल के हैं। पूर्वांचल से ला करके सन 56-57 में इनको बसाया गया था कि भाई चलो बॉर्डर क्षेत्र है, थोड़ा सुरक्षित रहेगा। सबको जो है गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के तहत 20 एकड़, 10 एकड़, 5 एकड़, 3 एकड़, 2 एकड़, 1 एकड़ तक के पट्टे मिले थे। उसी पर सब लोग अपना जीविकोपार्जन करते थे। उसी में जो है भाई ये जो जंगल किनारे लोग जो बसे हुए हैं उसमें जो है फॉरेस्ट वाले लगभग 20-30 साल से जब देखिए तब वो नोटिस भेजते हैं, उन लोग नोटिस का जवाब देते हैं, फिर वो लोग अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। इस बार जो है उसी तरीके से इन लोगों ने 7 तारीख को तो मैं चला गया था कहीं लखीमपुर, लेकिन हमारे परिवार के सारे लोग थे। 7 तारीख को ये पूरी फोर्स मतलब पीएससी, पुलिस और राजस्व, वन विभाग सबके पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँचे हमारे गांव में। और किनारे बने सरकारी शौचालय, जो गरीब लोग हैं बेचारे, जो झाले झोपड़े जो बना रखे हैं उनके झाले उजाड़ना चालू किए। योगी जी तो कह रहे हैं कि अगर आप किसी को कहीं उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, मैं चाहूँगा एक बार दिखाएं, तो किसी ने अतिक्रमण कर रखा है तो पहले राजस्व को या सरकारी महकमा है और उनके पास जीवोपार्जन का कोई साधन नहीं है तो उनको पहले दूसरी जगह बसाएं या आवाज दें, प्लॉट अपने पट्टे आवंटित कराएं, उसके बाद उनको वहाँ से खाली कराएं। फिर क्या हुआ, इतना सब योगी जो है मुख्यमंत्री हैं, उनके आदेश के बाद ये कैसे हुआ? जैसे कि आप बता रहे हैं कई सारे गरीब लोग रहे हैं, अगर वहाँ से हटाना भी चाहते थे तो क्या प्रशासन ने उनको कोई आश्वासन दिया था कि हम आपको कहीं दूसरी जगह पे जगह देंगे या बसाएंगे, आवास देंगे, कुछ ऐसा हुआ था? देखिए ऐसा है अरकवंशी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आश्वासन तो दूर की बात है, उन्होंने किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं की, उन्होंने किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया, जबकि यह कानून में है उनको पहले नोटिस देना चाहिए था, भाई आपका यह जगह अतिक्रमण में आता है, वन विभाग का है, आप इसको स्वतः हटा लो नहीं तो मैं इसको हटाऊंगा। बिना सूचना, बिना किसी नोटिस के ये गांव में बुलडोजर अपना लेकर पहुंच गए और कई घरों में तो घर के लोग जो गार्जियन थे वो थे ही नहीं, जो गरीब बेचारे थे मजदूरी करने गए थे, क्योंकि जानकारी नहीं थी, जानकारी नहीं थी, सूचना नहीं था, किसी प्रकार का नोटिस नहीं था, मतलब सर्टेन पहुंचे, अचानक में पहुंचे, हाँ। जिससे लोगों को अपनी बचत करने का कोई रास्ता भी ना मिले, हाँ, कोई रास्ता ना मिले। और ये जा करके झाला झोपड़ पर ये सब उजाड़ना चालू कर दिया, उसके बाद इन लोगों ने सरकारी शौचालय तोड़ना चालू कर दिया। वहाँ पर आप देख लेते स्थिति जा करके तो आपकी खुद ही आंखें जो है, जिसके लिए आप लोग बैठे हो, आप अपनी वाली बताओ पहले। मैं अपनी बता रहा हूँ, 7 तारीख को ये लोग जिस जो गांव में जो अतिक्रमण हटा रहे थे उसी लाइन में मेरा भी एक पड़ता है, जो मेरे पिताजी चाचा मतलब दो चाचा थे, पिताजी थे, तीनों के नाम से एक एक एकड़ का अलॉटमेंट था, वो राजस्व अभिलेखों में दर्ज, राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, मेरा बिल्कुल पक्का काम है। और मैंने उसके लिए जो है राजस्व कर्मी और राजस्व के जो अधिकारी थे जो लोग वहाँ गए, मैं उस समय था नहीं, मैं जा रहा था लखीमपुर किसी आवश्यक कार्रवाई मतलब अपने कार्य से, तो मैंने उनसे निवेदन भी किया था भाई देखिए हमको पता चला है कि बड़ी फोर्स जा रही है बसही में, क्या मामला है? तो उन्होंने कहा भाई अतिक्रमण हटाना है, तो हमने कहा देखिएगा 3 एकड़ का हमारा भी वहाँ पे पिताजी चाचा लोगों के नाम पट्टा है, घर में कोई है नहीं, आप जो है जितना हमारा कागज में है उतना हमारा पूरा कर दीजिएगा, बाकी अगर एक्स्ट्रा निकलता आप निकाल दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमको चाहिए भी नहीं। तो ये कह के इन लोगों ने आश्वासन दिया, नहीं नहीं ठीक है ठीक है। हमारे बुजुर्ग पिताजी, चाचा, हमारे भाई 3 लोग थे खाली, और एक हमारे सहयोगी छोटे भाई थे बगल गांव के प्रधान जी। तो वहाँ जो है जैसे ये लोग दीवार के पास आए, बिना नाप बिना कुछ किए ये लोग दीवार को जो है तोड़ना चालू किए, हमारे चाचा भाई ने इसका विरोध किया,
तो भाई पहले आप एक साल पहले जो है आप संयुक्त टीम बना करके वन विभाग राजस्व की टीम दोनों मिल करके नपाई किया था, वो तो बहुत आगे निकला था। आपने ही लिख करके दिया भाई ये जमीन जो निर्माण हो रहा है ये जो वन भूमि में नहीं है, ये अपनी जमीन में निर्माण कर रहे हैं। ये किसने दिया? ये राजस्व वन विभाग के दोनों संयुक्त टीम ने दिया। टीम ने दिया, हाँ, पहले एक साल पूर्व दिया। और अब आप क्यों तोड़ने लगे? ये बिना बात सुने सारे अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारियों के सामने, पुलिस कर्मियों ने, जो वृद्ध हमारे पिताजी हैं, चाचा हैं, उनके साथ अभद्रता करना चालू किया। और जब इसकी जानकारी मुझे हुई तो मुझे भी बड़ा पीड़ा हुई। मैंने अपने अधिवक्ता साथियों को बताया, मैंने अपने अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष को बताया, सबको बताया, सब में बहुत आक्रोश आया। और आने के बाद उसी सिलसिले में जो है आज मीटिंग यहाँ पर की गई, और अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जा करके जो है हम लोगों ने वहाँ पर आंदोलन भी किया। भाई अगर जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग जो है अपना आंदोलन चलाते रहेंगे। बाकी अध्यक्ष जी आपको बताएंगे। चलिए हम शैलेंद्र जी से और बात करेंगे, कुछ और सवाल हैं वो जानेंगे। अभी हमारे साथ श्री द्विवेदी जी हैं, पलिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, लगातार कई बार ये अध्यक्ष रह चुके हैं, इस चुनाव में भी इन्हीं के सर ताज सजा है अध्यक्ष का, हम इनसे जानेंगे। आज अध्यक्ष जी आप लोग यहाँ पे अधिवक्तागण पहुँचे थे, तहसीलदार के कार्यालय का घेराव किया था, क्या मामला है पूरा? हमारे अधिवक्ता साथी शैलेंद्र सिंह जी के यहाँ 7 तारीख को जो बसही में घटनाक्रम हुआ, समाचार पत्रों में वृद्ध पिता को एक पुलिसकर्मी द्वारा अंगोछा गर्दन में डालकर घसीटते जब चित्र छपा, हम सब आक्रोशित हुए। और वो आक्रोश इसलिए भी तहसील प्रशासन के विरुद्ध था क्योंकि एक मजिस्ट्रेट स्तर का अधिकारी वहाँ पर मौजूद था, हमारे तहसीलदार साहब वहाँ पर उपस्थित थे। 2021 में फरवरी में जब सीमांकन की संयुक्त कार्रवाई होती है और हमें क्लीन चिट दी जाती है, हमसे कहा जाता है कि आपका निर्माण सही है, आप कहीं अतिक्रमणकारी नहीं हैं, उस पर भी मौजूदा तहसीलदार साहब के ही हस्ताक्षर हैं। फिर आज ऐसी कौन सी बात आ गई कि अपनी ही सीमांकन कार्रवाई को राजस्व विभाग ने और वन विभाग ने मानने से इनकार कर दिया। इसमें कई खड्यंत्र की बू आ रही है, हम लोग आक्रोशित हैं। यदि समय पर सही ढंग से निस्तारण ना हुआ तो हम अपने अधिवक्ता के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, सक्षम हैं, और लड़ाई लड़ी जाएगी। देखिए अभी जब आप लोग यहाँ बैठे थे, हम लोग भी मौके पर मौजूद थे, उसके बाद एक मीटिंग के लिए बुलाया गया था, तो उस मीटिंग में SDM थे, तहसीलदार थे, उस मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकला है? तहसीलदार साहब ने कहा है कि हम पुनः पैमाइश कराएंगे और जो पहली पैमाइश है उसको ध्यान में रख के कराएंगे और दोनों तरफ से कराएंगे, और जहाँ पर दीवार आपकी टूटी है उस दीवाल को पुनः बनवाया जाएगा और मैं अपनी मौजूदगी में बनवाऊंगा। लेकिन बात वहीं पे अटक जाती है कि जब वृद्ध के साथ एक सक्षम अधिकारी मौके पर होते हुए किसी वृद्ध के साथ इस तरीके से जोर जबरदस्ती का प्रयास, उसके साथ अभद्रता की जा रही थी, उस पे उन्होंने क्या कहा? क्या उनके संज्ञान में था ये? जैसा कि उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में इस तरह की घटना नहीं हुई, जब मैंने उनको वीडियो दिखाए तो उन्होंने घटना पर दुख प्रकट किया और कार्रवाई की बात कही है। हम संबंधित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध भी आंदोलन करेंगे और उनके यहाँ से सस्पेंशन तक हमारा आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। चलो
हेलो बेटा, थोड़ा ड्रामा कर रखे हैं घंटों से। जबरदस्ती करा।